हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस महीने डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी पे लेके आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैंसर कर्क राशि नवंबर मंथ। केयरिंग कनेक्शन, ओके। नमः शिवाय। मैजिशियन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन। नेपच्यून, योर फैंटेसीज, यर्निंग, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। ओके। सैटर्न, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंजेस टू गेन विजडम। ओके। कैंसर कर्क राशि नवंबर मंथ। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। Don't let pride get in your way. Wow, यहाँ पर बॉटम ऑफ देख भी हमारे पास डोट रोमांस है। ओके। टैरो से देखते हैं नवंबर मंथ। पहले हम आपके सभी कार्ड्स निकाल देंगे। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है आप डायरेक्ट आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। जिन्हें देखना पसंद है वो देख सकते हैं। कैंसर नवंबर मंथ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके। फूल, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके। वाओ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। टावर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। एक्चुअली ये आपके थोड़े अलग से कार्ड्स हैं, मुझे इतने ही निकालने थे। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। कैंसर चेंज, वी आर द वर्ल्ड।
एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक है रिपनेस। ओके कैंसर्स, तो ये नवंबर मंथ जो रहेगा ना आपके लिए, थोड़ा सोच समझ करके चलने का रहेगा। अगर मैं आपकी बात करूं, आप लोगों का फोकस कहाँ आ रहा है, या आप किस वाइब्स में रहने वाले हो, आप बहुत ही लविंग वाइब्स में रहने वाले हो, आपका अपने इमोशनल एरिया पर, अपने रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको पूरी तरह से अपने करियर को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। करियर, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, उन पर भी फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर नेपट्यून भी है, मैजिशियन भी है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट भी है, आपको बोला जा रहा है आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, उनको सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर केतु की ऊर्जा है हमारे पास, जो कि ये बताता है कि जब आपके हाथ से चीज़ निकल जाती है ना, तब आपको ऐसा लग सकता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास होती तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था या बहुत अच्छा कर सकती थी। अभी वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, अपना अपना एस्पेक्ट्स देखिए, अपनी सिचुएशंस देखिए। तो आपको बोला जा रहा है कि इससे पहले की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है, तो मतलब हर चीज़ में ना आपको कमी ही नज़र आना बेसिकली, कि ये भी इतना नहीं, ज़्यादा होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, ये मुझे इतना मिलता तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया होता, समझ रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है इस तरफ, ये ना ये एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है आपकी, जो आप सही, जैसे कहते हैं ना कि आपने एक डायरेक्शन ले रखी है, उससे आपको थोड़ा सा हटा देता है। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो फोकस होने के लिए, जितना हो सके फोकस होइए, जिस सिचुएशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, वहाँ फोकस होने की ज़रूरत है। सिवाय इसके ये सोचने की, इल्यूजन्स पैदा करने की कि मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता, आपको ये बोला जा रहा है अभी भी जो आपके पास है वो कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है, तो आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आपके पास वो विजडम भी है, वो पावर भी है, बस ज़रूरत है तो उसे यूज़ करने की, ज़रूरत है तो अपने उन रिसोर्सेज को सही तरीके से उसको लेकर के कुछ क्रिएट करने की, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कि प्लीज़ जो भी रिसोर्सेज हैं ना आपके पास, ठीक है, उन्हें सही तरीके से यूज़ कीजिए इस महीने, बशर्ते इसके कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर इतना होता, ये कम है, समझ रही हैं, मतलब इनफ नहीं है आपके पास, कोई भी चीज़ इनफ नहीं है, प्यार इनफ नहीं है, पैसा इनफ नहीं है, करियर इनफ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह का भाव आपके अंदर इस महीने आ सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको फोकस होने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेशन आपके फोकस को बढ़ाएगा, कंटेम्पलेट करेंगे तो चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे इस महीने आप। क्योंकि अगर टैरो की बात करें, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है, फाइव ऑफ पेंटिकल है हमारे पास फूल है, और पेज ऑफ पेंटिकल है जो कि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, तो यही बात है। यहाँ पर ना थ्री ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, जब हमने पेज फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया। देखिए, आप ना मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा हील कीजिए। यहाँ पर ना मैं आपको आपका जो मनी को देखने का नज़रिया है ना, वो थोड़ा अलग तरीके का देख रही हूँ, कि आप ना मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, समझ रहे हैं आप। उसके पीछे ज़्यादा भागो मत, क्योंकि आप जितना उसके पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। जो चीज़ है मैंने बोला ना कि जितना है उतना इनफ नहीं है, वो चीज़ आपको फीलिंग होना। प्यार की बात अगर मैं करूँ तो प्यार भी बहुत है इस महीने, लेकिन फिर वही बात है कि जितना है उतना कम है, उसमें भी कुछ कमी ढूंढना, समझ रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है कि पहले तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। इस मेंटालिटी से बाहर कैसे निकलेंगे? मेडिटेट कीजिए, अपने मन को बैलेंस कीजिए, फोकस कीजिए। दूसरा, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको चेज मत कीजिए, खासकर मनी,
चीज में मत लग जाइए, उसके साथ उसको देखने का ना नजरिया बदलिए, अपने आप चीजें फ्लो में होंगी। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलते हो ना, उसके साथ अपने अपने मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को हील करते हो। मनी भी एक एनर्जी है, लेकिन उसके साथ आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, और अगर वो टिक भी गया तो भी अगर आपको ऐसा सोच हो रही है कि मेरे पास अभी ये आया भी है टिकेगा नहीं, तो फिर वो वहाँ सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर मैजिशियन की भी ऊर्जा है, क्योंकि वो चीज़ बड़ी जल्दी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, वो मैनिफेस्ट कर लेते हो एक्चुअल में, वो चीज़ को ही आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने जो मनी को देखने का नज़रिया है उसे बदलिए, और अपने रिलेशन मनी के साथ हील कीजिए। इस नज़रिए, इस पैटर्न से, इस थॉट पैटर्न से बाहर आइए। जहाँ आप इस थॉट पैटर्न से बाहर आ जाएंगे, वहीं आपको वो ग्रोथ का रास्ता दिख जाएगा। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, ग्रोथ है आपके लिए, जुपिटर की ऊर्जा है, लक की ऊर्जा है, वहीं लक आपके साथ है, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर ना फूल की भी ऊर्जा है, फूल की ऊर्जा। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों कार्ड्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ये दोनों ही जो मैसेज है, देखिए बहुत संभल करके देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये दोनों ही, अगर आप इसे डियर को देखेंगे, ये भी ऊपर ही देख रहा है वॉन्ड की तरफ, सन की तरफ, और ये फूल भी ऊपर ही देख रहा है। तो पहली बात तो भगवान पर तो आपका बहुत ट्रस्ट है, लेकिन भगवान पर, भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हो तो वो ट्रस्ट रख करके कि जो भी करेंगे ना भगवान अच्छा ही करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर उसी एनर्जी में टैप इन करके आप कुछ गलत कदम उठा लो जिससे कि आप ही को नुकसान हो, वो भी गलत है। कहने का मतलब भगवान पे ट्रस्ट करना है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान पे ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग केयरलेस हो जाएं। हमें भी, हम क्या अपनी लाइफ में कदम उठा रहे हैं, हमारा वो कदम किस तरफ जा रहा है, या हम देखेंगे कि आगे जाकर के हमें क्या मिलने वाला है, वो हमें सोचना है। थोड़ा मैच्योरिटी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ भगवान भगवान करके कि भगवान है, भगवान है, डेफिनेटली भगवान है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि भगवान डिवाइन डिवाइन करते करते ऐसा मत करो कि अपनी समझ को भूल जाओ, या बोलो कि मैंने अपनी समझ तो लगानी ही नहीं है, अगर मैं एक कदम भी उठा रख रहा हूँ, अगर मैं नीचे गिरूंगा तो भगवान संभाल लेंगे। भगवान कहेंगे भैया तुम्हारी समझ भी तो है, अगर तुम्हें दिख रहा है तुम गिरने वाले हो, तुम आगे स्टेप ही मत लो। वो तो हो गया ना कि जानबूझकर गिरने वाली बात। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है इस महीने जो आपको खाई में या नीचे की तरफ लेकर जाए। आपको ये बोला जा रहा है ट्रस्ट रखो, अपने पैशन को फॉलो करो, डेफिनेटली करो, लेकिन केयरफुल होकर के, केयरलेस होकर के नहीं। कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, नया शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करो, विश्वास के साथ करो, एनर्जी के साथ करो, लेकिन मैच्योरिटी के साथ करो। बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी में नहीं आना, सिर्फ यही नहीं कहना कि यूनिवर्स 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 हम तो चल रहे हैं, यूनिवर्स संभाल लेंगे, गिरेंगे तो भी थाम लेंगे, नहीं। यहाँ आपकी भी थोड़ी समझ चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा, फिर भी अगर आप सोच करके भी रिस्क लोगे तो फिर वो आपकी गलती होगी। तो यहाँ थोड़ा जो भी कदम आप रख रहे हैं, या जो भी कुछ शुरू कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उसको सोच समझ करके करिए। बाकी भगवान आपके साथ हैं, बाकी डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। अपनी ऊर्जा को कम नहीं करना है, लेकिन एक ये मुझे ना, आई एम सो सॉरी कैंसर, ये एक इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि पता होने के बावजूद गलती कर देना, कि पता है हम नीचे गिरेंगे, लेकिन एक अंधविश्वास होता है ना, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। तो यहाँ आपको अंधविश्वास नहीं रखना है, अंधविश्वास से बाहर आना है। तो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है इस महीने अपनी लाइफ में। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे टावर की भी ऊर्जा है। माय डियर, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, मनी मनी, यहाँ पर भी मनी को देखने का नज़रिए की बात कर रही थी मैं।
जो जितनी मनी है, जो जितनी रिसोर्सेस हैं आपके पास, उनको सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है आपको। अगर आप सोच समझ करके नहीं चलोगे, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बहुत समझ रही है, देखिए जहाँ आपको ना गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ किसी से राय लेने की ज़रूरत है, वहाँ राय लीजिए। किन्हीं बड़ों को बीच में आप ला सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को आप बीच में ला सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन को जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप उसे ला सकते हैं बीच में, उससे बात कर सकते हैं, उसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, तो कोई डिसीजन लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इमेच्योरिटी में आ करके, या बचपने में आ करके, या फिर इसी तरह की ऊर्जा में आ करके, अंधविश्वास में आ करके अगर कोई डिसीजंस लेते हैं, तो वो आपको हार्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर टावर की ऊर्जा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट किया जा रहा है, खासकर पैसे को लेकर के, खासकर किसी नई शुरुआत को, अगर कहीं नई आप जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लें, ठीक है, उसके बारे में पता कर लें, ठीक है। पर इसके साथ ही साथ सिर्फ दूसरों पर ही भरोसा नहीं करना है, अपने पर, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है आपको, अपनी तरफ से पूरा वो हो जाना है कि यस हाँ ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया, मेरी तरफ से कंफर्म है, मैंने जांचा परखा है चीज़ को, तो मैंने ये स्टार्ट किया है, तो मैंने इन्वेस्ट करा है, तो मैंने ये नया काम किया है, तो मैंने वहाँ साइंस किए हैं, साइन किए हैं, साइन का भी है, कहीं साइन करना है, सोच समझ करके साइन करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बदलाव है, लेकिन आपको बोला जा रहा है बदलाव यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन समझदारी के साथ, उसे यूटिलाइज कैसे करना है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हें यूज़ कैसे करना है, आपको ये बोला जा रहा है। इस चीज़ में नहीं रहना है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, और ना ही किसी तरीके के अंधविश्वास, ना ही इसमें, या ना ही किसी तरीके के अंधविश्वास में आपको जाना है, इल्यूजन्स में नहीं पड़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने माइंड को। ये महीना मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये महीना ग्राउंडेड ग्राउंड करने के लिए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से, ठीक है, सैडनेस को रिलीज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या है ना, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप देखोगे जो ट्रेडिशनल टैरो है, उसमें फाइव ऑफ पेंटिकल्स लोस को दिखा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप ट्री देखोगे ना, इसके पत्ते झड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके पास अभी यहाँ पर फाइव पेंटिकल्स हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है पूरी तरीके से खाली नहीं हो, चाहे मनी हो, चाहे टैलेंट्स हो, कुछ भी हो तो जितना है जो है उसे यूज सही तरीके से यूज करना, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप वो समझदारी के साथ चलते हो, आपके लिए ग्रोथ भी है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत है। अगर यहाँ पर ट्री झड़ा हुआ है, यहाँ पत्ते नहीं है, तो यहाँ पर ट्री भरा भी हुआ है, ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है, वो आगे बढ़ने का रास्ता भी दिख रहा है। पर इस ऊर्जा से, ये जो ऊर्जा है ना, इससे बाहर आने की ज़रूरत है कि मेरे पास मनी नहीं है, या मेरे पास टिकती नहीं है, या इनफ नहीं है, या मेरे पास टैलेंट्स इनफ नहीं है, या इतना काम इनफ नहीं, इन सब से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर है चेंज, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीच में यिन और यैन है, दैट मीन्स कि आपको ना अपनी लाइफ में, देखिए आपको कहाँ कहाँ बैलेंस लाने की ज़रूरत है। खासकर मैं कहूँगी अपने माइंड को बैलेंस करना, मुझे इससे सिर्फ यही आंसर मिल रहा है। जहाँ आप अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस कर लोगे ना, धीरे धीरे सभी चीज़ें स्मूथ वे में आगे बढ़ती हुई जाएंगी, आप बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ते हुए जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे सपोर्ट बहुत है आपको, फिजिकल रियलिटी में ही बोल रही हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअल रियलिम से तो आपको जो मिल रहा है, ठीक है, वो तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आपके घर परिवार हो, चाहे कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन आपको सपोर्ट के लिए मिल जाए, कोई जिससे आप राय लेना चाहते, कोई एक्सपर्ट आपको मिल जाए, मतलब सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको बोला जा रहा है। बस अपनी पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, अगेन यहाँ पे मैजिशियन की ही ऊर्जा है। आपकी क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या पावर है, आप अपने से क्या क्रिएट कर सकते हो, ये ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स कि ये जो है जैसी है वैसी है, इसने क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं, समझ रहे हैं आप। तो अपने
जो आपकी खुद की ट्रू आइडेंटिटी है ना, उससे जुड़िए, अपने अंदर की वो जो क्रिएटिवनेस है उससे जुड़िए। जो आप छोटी सी चीज़ से भी बड़ी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, या कुछ पैसों से भी बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं, उनसे जुड़ने की, अपने टैलेंट से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अपने आप को क्या समझ रहे हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, और आपको बोला जा रहे हैं आप इनफ हैं, आपके सोर्सेज इनफ हैं, आपको यही समझाया जा रहा है। तो इस महीने आपको यही समझने की ज़रूरत है। तो अगेन यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है। मैं आपके लव लाइफ में बहुत बैलेंस देख रही हूँ, डोर टू रोमांस की यहाँ पर ऊर्जा है। लेकिन आपको नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर आना है, चीज़ों को बैलेंस देखिए। यहाँ पर अगर टू ऑफ कप्स है तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। इस जगलिंग से, इस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना है। चलिए और कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। और क्या आपको बताना चाहते हैं इस महीने के लिए, नवंबर मंथ के लिए डिवाइन कैंसर्स? स्टॉर्म वार्निंग, देखा आपको दिया जा रहा है। स्टॉर्म वार्निंग तो डेफिनेटली है, लेकिन मैं कहूँगी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे तो अवेयर होने की ज़रूरत है। अभी स्ट्रॉन्ग वार्निंग से अगर आप डर रहे हो तो इसे देखकर खुश भी तो हो जाओ। डोर टू वैल्यू, जहाँ आप अवेयर हो जाते हो वहाँ आपके लिए डोर टू वैल्यू भी है। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली, मैंने आपको बोला ना कोई, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन, मैजिशियन मैजिशियन, और यहाँ पर भी मैजिशियन है हमारे पास, तो 3 टाइम मैजिशियन कार्ड है। और मैंने बोला ना स्पिरिचुअल रिलीन से भी आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, डोर टू स्पिरिट है यहाँ पर। स्पिरिचुअल हो वर्ड हो, या फिर स्पिरिट वर्ड हो, या फिर यहाँ फिजिकल वर्ड हो, आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है, बस आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आप अवेयर हो जाते हैं अपने, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने पर विश्वास करते हैं, ठीक है, अपने ट्रू आइडेंटिटी जो आप हैं उससे जुड़ते हैं, आपके लिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू है, आपके लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी है, आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी मनी है, आपके लिए अबंडेंस का दरवाज़ा खुल रहा है, सक्सेस का दरवाज़ा खुल रहा है, कोई कमी नहीं है। बस आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट, आपको अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो या कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करते हो, केयरफुल होकर के करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज नज़र आ रही है, ये उस तरह की मैरिज है जैसे कि कोर्ट मैरिज होती है, या ऐसे कि आप साइन कर रहे हो, ठीक है, मैरिज के लिहाज से हो सकता है, या फिर आपके किसी और करियर में कुछ, या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, साइन को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सोच समझ करके चलना, बेसिकली कुछ भी हो आपकी लाइफ में सोच समझ करके चलना है आपको। और जहाँ आप इन गाइडेंस को इस महीने फॉलो करोगे ना माय डियर, वो रिजल्ट्स भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। रिपनेस की एनर्जी है, फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे उनके। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।